ये जी मेरा डिपार्ट है ना, जो इधर मैं काम करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा वीडियो आप लोग के बना के ले लेता हूँ। ये जितने मशीनें लगे हैं ना, इसको लेकर ना देखो, पहले एल होगी होगी कोरियन में उसको बोलते हैं ना मशीन को, एक नंबर मशीन, दो नंबर, यानी ये देखो सारा और लिखा होता है ना। और ये डेली जब सुबह आ रहा था ना, तो पहले ये चेक करना पड़े, फिर 100 000 साइन वो करने, जिधर वो फॉरमैन जो होते हैं वो साइन कर देता है, क्योंकि इसके सामने टेल इसका जो जीरो होता है टेल सही है इसका, फिर इसका जो गेज वो सही है लिखा होता है ना सारे। ये क्लैंप और ये जो डाइन जो लिखा है ना टेल, ये फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट यूज टेल होता है, ये सेकंड जो बिल्कुल लास्ट में है ना, ये ख़राब होता है ना। तो अगर कोई चेकिंग वाले थे ना, तो इसके बारे में समझाने के लिए लिखा है। तो ये सारे सीटों पे सारा मशीनों के लगे हुए ना, यानी नोटो स्पोर्ट्स आए ना, हर डिपार्टमेंट लगा होता है सारा। और ये जो इधर ये फिर भी जो दफ्तर में सुबह ले गया था अपना, जितने मशीनें लगे ना, 9 मशीनें, इसमें अगर आपका काम होगा ना तो इधर आप लिख के ना, तो जितने जितने पीस लेकर इधर बना दे, फिर उधर से कंप्यूटर में एंट्री करना है ना, एंट्री कर लेते हैं। तो ये को उसने देखा है लेकिन सही नहीं देखा है ना। ये इधर सेफ्टी के बारे में वो है इंफॉर्मेशन लगाया जाता है ना लोगों के लिए। अभी इस मशीन के ऊपर ये डेंजर लगा है ना, ये कल पिछले हफ्ते इसमें थोड़ा ख़राबी होते ना, अचानक ही खुद नीचे गिर गया था ना बहुत तेज़ इसके लाइट की वजह से। तो ये इसलिए लगा है ना कि कोई काम करे तो पहले फोरमैन को बता देना, या वो ऑन कर देगा ना, इसके बाद कहते काम कर दे इसके ऊपर। मुख्तलिफ जो चैम्बर होते हैं ना, इसके जो पेप वगैरह लगते हैं ना सारे, इसमें ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। बाकी इसके ऊपर नाम लिखा है, ये इसके नाम लिखा पोटोटो का नाम OSN पाइप है ना, जो चैम्बर अलग होते हैं वो, उसका नाम लिखा है इस पर JSN, ये सामने CN7P है। और ये सारे जो है ना सिंपल लगे होते हैं ना, क्योंकि एक एक पीस चार पाँच 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 मरतबा होते हैं ना, तो यानी एक मरतबा दो मरतबा, तो एक एक पीस के तकरीबन चार चार पीस वो पड़े होते हैं ना सिंपल लगाने, जब ये सारे डाई होती है ना जो लगाना पड़ता है इसमें। अभी ये बिल्कुल अभी एक में सिर्फ पेपर से हो गया है नहीं जो, लेकिन अभी ये इधर साइजिंग का अभी ये बना हुआ नहीं है ना अभी। ये ऊपर ये टाई लगी हुई है ना, ये नीचे इसका ये बहुत पुराना पीस है, अभी ये तकरीबन 2012 में हमने किया था ना, अभी ये तकरीबन 10 साल बाद ये इसका हटा रहा है। टोटल 200 पीस चाहिए ना, तो ये अब देख, ये थोड़ा सा बेंड हुआ है ना, ये ईचा है ना दो मरतबा, दूसरा करेंगे दो मरतबा हुआ है ना, ये तीसरी मरतबा जब वही ना देखो इसका ज़्यादा फोल्ड हुआ है ना। तो ये साइजिंग की ये मशीन है थोड़ी छोटी है, तो इधर उस साइड पे ये जो है ना, ये बड़े बड़े मशीनें जो है ना, ये प्रेस की है ना, ये प्रेस वाली डिपार्टमेंट है। आज काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक दो चार पांच बंदों का काम था ना, इस वजह से सिर्फ इस जगह पे मेरा काम था ना, तो इसमें इधर लेट आने और साइड पे लेट सारे ऑफ है ना, तो इधर काम नहीं हो रहा, तो इस डिपार्टमेंट सिर्फ मेरा काम था, तो इस वजह से वो लेट वगैरह और ऑफ है ना, सिर्फ इस मशीनों पे काम हो रहा था।
ये सारी डाई है ना, देखो कितना सिंपल है सारा। पहले अभी ये बिल्कुल काम कम हो गया ना, सारा बस बंद हो गया ना, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसमें। इसके ऊपर ये सारा सिंपल पले पड़े हुए ना, जब सेटिंग करते हैं ना उसका नया पीस जब लगाते हैं ना, तो इसका साइज इसके साथ देख लेते हैं ना। ज़्यादा टाइम हो गया, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दूँगा। ये जो है ना, ये प्रेस की मशीन है ना, ये बड़े देखो ये तो अभी टाइम पूरा हो गया ना, अभी देखो अब आप तो बेल की आवाज़ आ गई। तो चलो मैं ये थोड़ी सी भी अंदर का काम के बारे में लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन दी, अभी मैं ये लाइट वगैरह बंद कर देता हूँ। तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट।